अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज घर में काफी चहल पहल और रौनक होगी क्योंकि बहुत लंबी छुट्टियों के बाद, खास तौर पे पूरे समर ब्रेक के बाद आज बैक टू स्कूल डे है जी। वैसे कई बच्चों की उम्मीदें बड़ी बंद गई थी, उनको लगा कि कराची में और सिंध में बल्कि पूरे बलूचिस्तान में भी जो आने वाला नया बारिशों का सिस्टम है हो सकता है मजीद डिलेज हो जाएं और स्कूल बंद हो जाएं। लेकिन आज नन्हे बच्चों के लिए कुछ इतना मजेदार सुबह का शुरुआत नहीं थी क्योंकि दे हैड टू गेट रेडी। वो जो यूनिफॉर्म भूले बैठे थे, बैग का कुछ पता नहीं था, किताबों का कुछ पता नहीं था, बैक टू रूटीन होने वाली है जी जिंदगी क्योंकि बच्चे आज गए हैं स्कूल। सो वॉट इज डिफरेंट अबाउट रिटर्निंग टू स्कूल आफ्टर सच अ लॉन्ग ब्रेक? हम जिस तरह के जानते हैं कि कोविड के दौरान भी बच्चों के लर्निंग जो माइलस्टोन्स थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, में काफी डिले आया है। और सबसे बढ़कर ये कि कोविड के दौरान हम ये भी देख रहे थे कि कई इदारे, खास तौर पे अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात की जाए, अगर हमारे कम्युनिटी स्कूल्स की बात की जाए, उनमें काफी यू नो दे बोर एन इम्पैक्ट क्योंकि इनमें से कई आपके डोनेशंस पे, आपके अतियात और आपकी सपोर्ट बड़ी अहम होती है। इसके साथ साथ ना सिर्फ कोविड बल्कि उसके बाद इस वक्त की जो मौजूदा पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, कई लोगों के लिए बच्चों को स्कूल में कंटिन्यू कराना, उनके तालीम से रिलेटेड मुख्तलिफ अखराजात को पूरा करना शायद मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। तो आज हमेशा की तरह एक ऐसे इदारे से आपकी मुलाकात कराएंगे और यकीनन आपको ये बताएंगे कि किस तरह चीजों को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान के जिम्मेदार शहरी कोशा है। हम बात कर रहे थे द सिटीजन स्कूल फाउंडेशन की और यकीनन TCF किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। एक बहुत बड़ा नेटवर्क, एक बड़ा मुस्तनिद नाम जिसके फ्रेंड्स एंड डोनर्स पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि मौजूदा जमीनी हकायक क्या हैं और पाकिस्तान का मेहनत कश तबका जो कि बड़ी मुश्किलों से अपना पेट काट कर शायद दो दो नौकरियां करके अपने बच्चों के लिए तालीम अफोर्ड कर रहे हैं, उस वक्त उनके लिए इस मौजूदा सूरत हाल में कितनी मुश्किलात का उनको सामना है। सबसे पहले जी हमारे मेहमान को हम वेलकम करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है रियाज कामलानी साहब, हु इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ TCF। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब आपकी मौजूदगी का। सबसे पहला सवाल आपसे ये करूंगी, लास्ट हमारी मुलाकात कोविड के दौरान हुई थी, द इकोनॉमिक डाउन टर्न एंड चेंजेस आर वेरी रियल, इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया वापस शो पे बुलाने का। मुश्किलात हैं, बिल्कुल हैं। TCF के स्कूल जिस तरह आप जानते हैं कच्ची आबादियों में और देही इलाकों में हैं और अमूमन वहाँ वालदैन के लिए अगर हम उनका घर का बजट देखें तो खाना, पानी, मकान का खर्चा निकालने के बाद जो बहुत कम वसाइल बचते हैं उनमें बच्चों को पढ़ाना भी है, सेहत का मामला भी करना है और घर के और अखराजात भी बर्दाश्त करने हैं। तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि वालदैन के ऊपर एक दबाव आ रहा है, एक स्ट्रेस आ रहा है कि हम उस पैसे से क्या करें। और उसमें वो किरदार स्कूल का होना जहाँ पे स्कूल का खर्चा जो है वालदैन के लिए मसला ना रहे। सही। फीस को कम करना, स्कूल की वर्दी यानी यूनिफॉर्म जिसको कहते हैं उसके अखराजात को कम करना, किताबों को कम करना, इस नियत से कि बच्चे स्कूल आते रहें और बच्चियाँ स्कूल आती रहें क्योंकि अक्सर इसका दबाव ज़्यादा पड़ता है बच्चियों की स्कूलिंग पे। तो बच्चे बच्चियाँ दोनों बाकायदगी से स्कूल आते रहें, उन मसाइल के लिए आसानी पैदा करना ताकि वो सिलसिला तसलसल जारी रहे, ये हमारी काबिश है। ऐसा मुझे बताएगा जो कोविड के दौरान खदशात थे कि ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई हो सकता है, उसको कॉम्बैट करने के लिए TCF और तमाम आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो कोलैबोरेटिंग पार्टनर्स हैं, सबने कोशिशें की, इस वक्त क्या सूरत हाल है? कोविड तो नहीं लेकिन मौजूदा माली मुश्किलात की वजह से क्या ड्रॉप आउट रेट पाकिस्तान में ऊपर गया है? दोनों सूरत हाल में एक जैसे ही हालात दिखाई दिए। कोविड के वक्त घर में आमदनी रुक गई थी, इस वक्त जो आमदनी का सिलसिला है उस पर और प्रेशर बहुत सारे। सही। और दोनों में वालदैन का, इस तरह मैंने कहा, एक मसला ये होता है कि घर के अखराजात निकालने के बाद हम बच्चे के लिए कैसे पैसे निकालें कि बच्चा तालीम हासिल कर पाए। और उसमें अगर आप अखराजात को कम कर सकें, हमारे इदारे में हमने किया कि फीस जिस बच्चे की 50 रुपये थी, हम बहुत थोड़ी सी फीस लेते हैं, 2000 रुपये का खर्चा करते हैं, किसी बच्चे से 10-20-50 रुपये लेते हैं, जो 50 देता है उसको 30, जो 30 देता है उसको 20, कम से कम फीस कर दी जाए। किताबों का अगर साल का खर्चा 1000 रुपये तो उसको 12 टुकड़ों में तोड़ दिया जाए या 6 टुकड़ों में तोड़ दिया जाए ताकि बच्चों के लिए देने में आसानी रहे। तो पहले तो अखराजात को मैनेज करना, दूसरा ये कि खानदान के साथ मिल के काम करना, वालदैन को बुलाना, वालदैन के साथ वो इंगेजमेंट रखना कि कहाँ कहाँ मसाइल दरपेश हैं, क्या अगर बच्चे को काम करना जरूरी है सुबह में तो क्या उसको आफ्टरनून शिफ्ट में लेकर आया जा सकता है कि कम से कम जिंदगी का काम भी चलता रहे क्योंकि उसको कमाना इस वक्त मजबूरी है, मगर साथ साथ तालीम का भी सिलसिला बरकरार है, वो ना रुके। तो ये वो काम है जो कि आपको
फर्दन फर्दन मतलब ये आपको हर खानदान के साथ हर एक के हालात मुख्तलिफ होंगे, हर बच्चे को इनफरादी तौर पे साथ लेके चलने की कोशिश करनी है और वो करते रहते हैं। ऐसा बड़ी तकलीफ है, सूरत हाल ये है कि कई वायरल वीडियोस हम देख रहे हैं जिसमें लोग और खुसूसन जो मेहनत कश तबका है वो ये बात कर रहा है कि आमदन में अखराजात पूरे करना मुश्किल हो रहा है। अब मैं जानना चाहूंगी कि आपके स्कूल की जो इंतजामिया है, जो टीचर्स हैं, उनके लिए आप लोगों ने कोई नए मेजर्स लिए हैं? बिकॉज वंस अगेन उनके साथ भी वही अखराजात जुड़े हुए हैं, बिजली पानी का खर्चा, उनके घर में दवाइयाँ, यू नो, अशिया खुर्दोनोश। व्हाट इज बीइंग डन ओवर देयर? देखिए, हमारी टीचर्स, हमारा जो स्कूल स्टाफ है वो टीसीएफ की रीढ़ की हड्डी है, बेशक उनका हमने हर लम्हा ख्याल रखना है। तो जिस तरह कोविड के दौरान जहाँ पे बहुत से स्कूलों ने या टीचर्स को फारिग कर दिया या तनख्वाहें आधी कर दी या दो तीन महीने बाद दे पाए, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम करम फरमाओं की मदद से ये सिलसिला जारी रहा कि तमाम लोगों को तनख्वाह पूरी मिली, वक्त पर मिली और किसी को नौकरी से नहीं निकाला। यही हमारी नीयत है इस वक्त के हालात में भी। हमने अपनी टीचर्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस को मुतारिफ करवाया है, हेल्थ इंश्योरेंस को मुतारिफ करवाया, ताकि इन हालात में अल्लाह ना करे कोई अगर सेहत का संगीन मसला आ जाए तो कम अज़ कम हेल्थ इंश्योरेंस से एड्रेस हो सके। उसके साथ साथ इस वक्त जो इन्फ्लेशन के हालात हैं उसको नज़र में रखते हुए इंक्रीमेंट का भी ऐसा इंतजाम किया जा रहा है जिसके तहत पूरा हल नहीं मगर जिस हद तक हल मुमकिन हो सके वो किया जा सके। साथ साथ ये भी देखना है कि चादर देख के पैर फैलाने, मगर हमेशा इस नीयत से चलते हैं कि जितना बेहतर काम किया जा सके और जिस हद तक किया जा सके सबसे ज्यादा हमारे टीचर्स के लिए किया जाए, क्योंकि टीसीएफ के असल हीरोज नहीं है। आई थिंक टीसीएफ और तमाम हमारे तालीमी इदारों के यकीनन हमारे उस्ताद हमारे हीरोज हैं और उनका ख्याल रखना हम सब पे लाजिम है, लेकिन इसके साथ साथ टीसीएफ का काम भी एग्जेम्पलरी है। आई वुड वंस अगेन आस्क ऑल ऑफ यू जो इस वक्त हमें जहां जहां भी देख रहे हैं, आप प्लीज टीसीएफ की विजिट कीजिए वेबसाइट को। मुख्तलिफ तरीके हैं कि आप इस कार्य खैर में, इस मिशन में इनका साथ दे सकते हैं। बेशक आप एक बच्चे की तालीम को सपोर्ट करना चाहें, क्लासरूम को सपोर्ट करना चाहें, या फिर एक पूरे स्कूल को सपोर्ट करना चाहें, ये आपके ऊपर है। और यकीनन आप मुखय्यर अफराद से हमारी एक दफा फिर अपील होगी कि प्लीज कम फॉरवर्ड, क्योंकि तालीम का जेवर वो वाहिद चीज है जो आपको एक जनरेशन को नहीं बल्कि आने वाली कई जनरेशन को बदल सकता है। टीसीएफ के बारे में खास बात ये मुझे नजर आती है कि इसमें बहुत सारे बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, यानी उन्होंने पहली दफा उनके खानदान में, उनकी नस्लों में किसी ने स्कूल का रुख किया है। एंड वी मस्ट कीप द पेस अप बिकॉज बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो स्कूल जाने की उम्र के हैं और स्कूल नहीं जाते। ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में कोई पैगाम अगर हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहें, और खास तौर पे ये भी कि इस वक्त टीसीएफ को और टीसीएफ जैसे मुख्तलिफ इदारों को सपोर्ट की कितनी जरूरत है? ये कारवां बच्चों को पढ़ाने का है और जरूरी ये है कि ये कारवां जारी और सारी रहे, क्योंकि हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनको जरूरत है और जो आपने मसाइल के उसकी वजह से उन बच्चों की तादाद कम नहीं हो रही और ज्यादा हो रही है। तो आपकी मदद चाहते हैं, आपकी दुआएं चाहते हैं, ताकि जिसके तहत इस काम को और आगे से आगे बढ़ाया जा सके। बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ जी, थैंक यू वेरी मच यासा।